हेलो एवरीवन, आज फिर से मैं आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दाल के बड़े तो आप सभी लोगों ने खाए होंगे, बट आज मैं आप लोगों को चावल के बड़े बनाना बताऊंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बाउल मैंने चावल का आटा लिया हुआ है और जितनी क्वांटिटी चावल की है उतनी भी दही की रहेगी। अब इसमें मैंने अदरक काट के रखा हुआ है छोटे छोटे पीसेस में, उसको डाल दूंगी। और मैंने दो मिर्ची काटी हुई है। आप लोगों को अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लोग अपने हिसाब से काट सकते हो, नमक स्वाद अनुसार। और जितनी क्वांटिटी मैंने चावल और दही की है उतनी ही पानी की रखेंगे, बट थोड़ा धीमे धीमे चलाते हुए डालेंगे इसको। देखिए मेरा बैटर तैयार है और पतला बैटर है, ऐसे ही आप लोगों को भी पतला रखना है। देखिए गाइस, मेरा ये कढ़ाई गरम हो गया है, तो इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला हुआ है क्योंकि ये चपके ना, क्योंकि ये चावल का बैटर है इसीलिए। और इसमें हम ऐसे ऐसे धीरे से डालते रहेंगे, इसको ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहना, नहीं तो गाइस इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और इसको छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है। गाइस देखिए, धीरे धीरे देखिए मेरा सूख रहा है, इसको और चलाते रहना है, थोड़ा सा और सुखाना है इसको। देखिए गाइस, मेरा बैटर अब सूख गया है। अब इसमें मैं लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दूँगी। और देखिए गाइस, मैंने गाइस देखिए मेरा ठीक बैटर तैयार हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे ठंडा होने के लिए। बैटर ठंडा हो गया है, अब मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी उसकी हेल्प से, छोटी छोटी। मैंने ये छोटा सा लिया हुआ है, अब इसको मैं थोड़ी सी प्रेस करते हुए इसमें देखिए बड़े के जैसे ऐसे मैंने इसको एक प्लेट में रख दिया है। इसी तरह मैं और भी एक ही साइज़ के बनाएंगे तो ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा। और ऐसे ही इसी तरीके से मैं बाकी पूरा रेडी कर लूँगी। मैंने इस तरीके से सारे बड़े बना लिए गाइस। देखिए मैंने तेल डाल दिया, अब ये देखिए मेरा गरम हो गया ऊपर से थोड़ा, मतलब वो गरम गरम फीलिंग आ रही है। और हम इसमें एक एक करके बड़े डाल देंगे। गाइस इसको पलटना नहीं है, जब ये बीच में हल्का ब्राउन हो जाएगा तब इसको पलटेंगे हम। देखिए बड़े के कलर चेंज होने लगे हैं, अगर ये हल्का ब्राउन हो जाता है तो ये ऊपर की ओर आ जाता है। इसको हम पलट देते हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है कलर इसका। देखिए गाइस मेरा ये देखिए कितना अच्छा प्यारा कलर आ गया है, अब ये बड़े बन गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी और दूसरी तरफ मैंने गुनगुना पानी करके रखा हुआ है उसमें मैं अब इसको डाल दूँगी। देखिए जो मैंने बड़े डाले थे पानी में, देखिए मेरे कैसे फूल गए हैं, स्पंजी हो गए हैं। अब देखिए इसको इस तरीके से हल्का सा प्रेस करते हुए पानी निकाल लेना है। ऐसे सारे बड़े का निकाल लेंगे हम। देखिए अब इस तरीके से मैं इन सब में दही डालूंगी। गाइस गार्निश के लिए मैंने इसमें सेव लिया हुआ है, तो इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। देखिए अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं लाल मिर्च डाल दूंगी टेस्ट के अनुसार, और थोड़ा सा काला नमक। गार्निश के लिए एक धनिया की पत्ती भी रख दूंगी। दूसरी तरफ ये मैंने बड़े तैयार करके रखे हुए हैं सादा सेजवान सॉस के साथ। तो गाइस इस तरफ मेरा दही बड़ा तैयार है, इस तरफ उस सिंपल सा सेजवान सॉस के साथ दही बड़े तैयार है।
गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने अपने घरों में ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।